जय हिंद दोस्तों, डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है, क्या आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं? अगर इसका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज इस वीडियो में जो चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो थोड़ी सी मुश्किल है। जो लोग मुश्किल चीजों को करते हैं वो सफल होते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप कुछ मुश्किल चीजें कर सकते हैं तो आप इस वीडियो को देखें, अदरवाइज आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। जो टेक्निक मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं उस टेक्निक का नाम है सेवर्स, SAVERS। ये कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिस टेक्निक को आप रोज करते हैं 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि आप सफल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन कोई भी चीज करने से पहले, जैसे कि मैंने आपको हमारे प्रीवियस वीडियो में बताया है कि एक लक्ष्य होना बहुत जरूरी है और उस लक्ष्य के पीछे एक वाई का होना भी बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में वो लोग हैं जो कि किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका एक लक्ष्य होना चाहिए। जैसे कि किसी स्टूडेंट्स का लक्ष्य हो सकता है कि मुझे ऑफिसर बनना है, ठीक है, मुझे डिफेंस फोर्सेस में ऑफिसर बनना है। अब ऑफिसर तो मुझे बनना है, लेकिन क्यों बनना है? मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहता हूं। मेरी जो आज स्थिति है उस स्थिति से मैं निकलना चाहता हूं। मुझे एडवेंचरस लाइफ चाहिए, मुझे अपने पेरेंट्स को लग्जरी लाइफ देनी है। तो वो रीजन कुछ भी हो सकता है, वो आपको ढूंढना है। अगर आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर दिया है और उसके पीछे की वजह आपके पास है, जो ये टेक्निक जो मैं आज आपको बताऊंगा वो आपके काम की है। जो भी मैं आज आपको टेक्निक बताऊंगा ये मॉर्निंग टेक्निक्स हैं, मतलब आपको अपने दिन की शुरुआत कैसे करनी है। अगर आप अपने दिन की शुरुआत अच्छी करते हैं तो आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा और एक एक दिन एक महीना बनता है और कुछ महीने बन के साल बनते हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये मॉर्निंग हैबिट्स हैं, ये मॉर्निंग हैबिट्स है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया SAVERS, पहला जो वर्ड है वो है S। S का मतलब है साइलेंस। आप मॉर्निंग में जब उठते हैं, मॉर्निंग का कहने का मतलब इसमें मेरा ये है कि जो भी एक्टिविटीज मैं आपको आज बताने वाला हूं वो सुबह 8 बजे से पहले आप लोगों को करनी है, ठीक है। सबसे पहले S मतलब साइलेंस। साइलेंस का मतलब ध्यान। जब भी आप उठें तो जल्दबाजी में ना उठें और उठने के बाद आप थोड़ी देर 5 से 10 मिनट आप किसी एकांत वातावरण में जाके आंखें बंद करके बैठें, जिसमें आपकी बैकबोन स्ट्रेट होनी चाहिए। आप बैठें, अगर आप ध्यान कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप ध्यान नहीं कर सकते हैं तो आपको अपनी आंखें बंद करके जो भी वहां पर नॉइस हो रही है उनको सुनना है। आपको नेचर की जो नॉइस है वो सुनना है, आपको चिड़ियाओं की आवाज सुननी है, आपको हवा का मूवमेंट सुनना है, क्या चल रहा है वो सारी चीजें आपको सुननी है। कम से कम 10 मिनट आपको साइलेंस में रहना है, मतलब आपको ध्यान करना है। हो क्या रहा है हमारे साथ कि सुबह हम खुद तो उठते नहीं है, मम्मी उठा रही है कि उठ जा बेटा पढ़ाई करनी है, उठ जा स्कूल जाना है, उठ जा ये करना है। तो हो क्या रहा है, हम सुबह उठते नहीं है और जब हम पे प्रेशर आता है तो हम सुबह सुबह भागने की तैयारी करते हैं, विच इज अगेन नॉट गुड। तो सबसे पहले है साइलेंस। और जो भी मैं एक्टिविटीज आप लोगों को बता रहा हूं हम अपनी एकेडमी में भी करते हैं और बहुत सारे बच्चों ने ये किया भी होगा। सेकेंड वर्ड इज ए मीन्स एफिर्मेशन। एफिर्मेशन मतलब सेल्फ टॉक। आपको जब अपने साइलेंस में आप रहे तो उसके बाद आपको सेल्फ टॉक करना है। वो सेल्फ टॉक क्या होगा, आई एम द बेस्ट, आज मैं कुछ सीखूंगा, आज मैं ये पढ़ूंगा, आज मैं ये नया करूंगा। तो ये जो सेल्फ टॉक है आपकी खुद से अपने साथ होगी, ठीक है, जिसमें आप अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें करेंगे कि यस आई एम स्ट्रॉन्ग, आज मुझको ये काम करना है, आज मुझे ये चैप्टर्स फिनिश करने हैं। सेल्फ टॉक में आई एम द बेस्ट,
ठीक है, मैं आज ये चैप्टर पढ़ूंगा। ये चैप्टर पढ़ना मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर मेरे लिए पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब मैं ये चैप्टर पढ़ूंगा तो ये हमारे एग्जाम का सिलेबस है और ये इतने क्वेश्चंस मैं कर पाऊंगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी आप सेल्फ टॉक अपने आप से करें वो क्यों कर रहे हैं और उसकी इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में क्या है। तीसरी जो बहुत ही पावरफुल टेक्निक है वो है, वो वी से स्टार्ट होती है, जिसका नाम है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको कहूं तो आपको अपने फ्यूचर को देखना है, आपको अपने फ्यूचर को फील करना है। ये एक्टिविटी हम अपनी एकेडमी में भी बच्चों के साथ करते हैं, जहां पर बच्चे अपनी आंखें बंद करते हैं और वो विजुअलाइज करते हैं अपने आप को यूनिफॉर्म में, कि उनको डिफेंस में ऑफिसर अगर बनना है, जिनको एयरफोर्स में ऑफिसर बनना है, जिनको आर्मी में ऑफिसर बनना है, जिनको नेवी में ऑफिसर बनना है, तो वो अपनी आंखें बंद करके अपने आप को फील करते हैं। वो अपने आप को फील करते हैं प्रेजेंटेशंस देते हुए, वो अपने आप को फील करते हैं, वो फील करते हैं अपने आप को यूनिफॉर्म में, वो फील करते हैं कि लोग उनके लिए तालियां बजा रहे हैं। और जब हम ये एक्टिविटी करवाते हैं 5 से 10 मिनट की, तो उसके बाद बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म, बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है। तो ये चीज अपने फ्यूचर को आज देखना जरूरी है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, जो जैसा आप सोचते हो, जैसा आप फील करते हो, आप वैसे बन जाते हो। ये लॉ ऑफ नेचर है और ये होता है। अब बारी आती है ई की। E stands for exercise। ये कहने में तो बहुत अच्छा लगता है और आप लोग भी कहेंगे कि हाँ एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन किसको? आपको, आप ही तो करोगे ना, बैठे बैठे तो चीज़ें होंगी नहीं। तो एक्सरसाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करो, लेकिन 15 मिनट जो भी ये सारी एक्टिविटीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आपको 15 से 20 मिनट का ही टाइम देना है। और अगर आप एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते तो कम से कम प्राणायाम तो कर ही लो। अब जो इसके बाद आता है आर। आर स्टैंड्स फॉर रीडिंग। रीडिंग बहुत ज़रूरी है बेटा। कुछ किताबें हैं, मैं यहाँ पर कोर्स बुक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स की, जो कि आपको मोटिवेट करते हैं। वो बुक्स कौन सी हो सकती हैं? जैसे कि वो बुक हो सकती है शिव खेड़ा की जीत आपकी। ठीक है, तो जीत आपकी एक बुक है जिसको आप पढ़ें, उसका एक एक पेज आप पढ़ें और सिर्फ 15 मिनट के लिए। ठीक है, तो डेली 8 बजे से पहले की जो एक्सरसाइजेज हैं वो मैंने आपको बताया, ठीक है, कि आपको ये सारी चीज़ें करनी है। इसके बाद जो लास्ट एक्टिविटी आती है वो आती है स्क्राइबिंग। ठीक है, एस फॉर स्क्राइबिंग। तो ये जो स्क्राइबिंग का मतलब है लिखना। आपने दिन में जो भी किया है, आपने जो भी सीखा है, आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, या आप कल को किस तरीके से आप और बेहतर बना सकते हैं, तो पूरे दिन की समरी आपको करनी है। ठीक है, तो जो भी मैंने एक्टिविटीज़ आपको बताई उसमें आपको 15-15 मिनट आपको देना है। अगर आप 15-15 मिनट इन एक्टिविटीज़ को देते हैं तो पूरे दिन भर में आपको 1.5 घंटा कम से कम अपने लिए निकालना है। और अगर आप इन 1.5 घंटे को यूटिलाइज़ अच्छे से करते हैं तो 100% आपको सफलता मिलेगी। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज़ कराता हूँ। इस टेक्निक का नाम है सेवर्स, जहाँ पर एस स्टैंड्स फॉर साइलेंस। साइलेंस मतलब मेडिटेशन, ध्यान। ए फॉर एफिर्मेशन। एफिर्मेशन का मतलब है सेल्फ टॉक। उसके बाद आता है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में आपको अपने फ्यूचर को देखना है और फील करना है। ठीक है, ई का मतलब है एक्सरसाइज, मतलब आपको कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है। ठीक है, और आर का मतलब है रीडिंग। यहाँ पर रीडिंग का मतलब है सेल्फ हेल्प बुक से। एक बुक मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, जीत आपकी, जिसको आपको रोज 1 से 2 पन्ने आपको रोज पढ़ने हैं। और लास्ट है स्क्राइबिंग। स्क्राइबिंग में आपको अपना पूरा दिन, आपने कैसा फील किया, अच्छा या बुरा, और किस तरीके से आपने दिन को और बेहतर बना सकते हैं, तो पूरे दिन की एक समरी आपको बनानी है। तो ये कुछ टेक्निक हैं, अगर आप इसको अपने जीवन में करते हैं तो आप 100% सफल होंगे। जय हिंद, धन्यवाद।